नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ऑनलाइन टेक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो कैमरा होता है उसकी एक जूम की लिमिट होती है, लगभग 4x। आज हम आपके लिए एक ऐसा ऐप लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप 30 गुना ज़्यादा तक जूम कर सकते हैं, वो भी एकदम साफ क्वालिटी में। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। इस ऐप का नाम बाइनोकुलर है और आप इसे प्ले स्टोर से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है। सिंपली जो आपको ऊपर दिख रहा है कि प्ले स्टोर मैंने ओपन किया, और इसके बाद सर्च बॉक्स में जाके आपको टाइप करना है बाइनोकुलर कैमरा। अगर आपको ऐसे ना मिले तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसका नेम ठीक से देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बाइनोकुलर्स माइक्रो शूटिंग 13x। ठीक है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और इसके 10 लाख डाउनलोड्स हैं, 4.1 की अच्छी रेटिंग है और ये बहुत अच्छा ऐप है, मैंने इसे ट्राई किया है। तो चलिए अब इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसकी जूमिंग पावर कितनी ज़्यादा है। तो ये मैं यहाँ से इसे ओपन करा लेता हूँ और अब जो एक लड़का आपको सामने दिख रहा है, मैं जूम करके इसकी शक्ल को देखता हूँ। ठीक है, तो जो इधर घिरनी बनी हुई है, घिरनी इसे ऊपर की ओर बढ़ाना है। ये देख रहे हैं आप, हमने ऑलरेडी कितना जूम कर रखा है और लगातार जूमिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ाते जाना है और आपकी जूमिंग बढ़ती जाएगी, ये 30x तक जाएगी। जो साइड में आपको दिख रहा है 15-16 चल रहा है, ये 30x तक जाएगी। ठीक है, यानी कि 30 गुना अब इतना ज़्यादा जूम हो चुका है और ये बहुत दूरी पर लड़का खड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जूमिंग हो चुकी है और अब आपको हम सिंपल कैमरा ओपन करके दिखाते हैं जो आपके फ़ोन्स में पढ़ के मिलता है। इसकी मैं जूमिंग दिखा रहा हूँ आपको, ये 3.54, ये इसकी मैक्सिमम जूमिंग है, इससे ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते। तो वो ज़्यादा बेटर है, आप उसी को यूज करिए दूर की फ़ोटोज़ को खींचने के लिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।